के लिए बहुत ही दुखदायक दिन है कि शायद दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़े घोटाले के ऊपर चर्चा करने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। दिल्ली के इतिहास का ये सबसे बड़ा स्कैम है। एक कांग्रेस थी, कांग्रेस ने बहुत बड़े बड़े घोटाले करे और उसमें उनका सबसे प्रसिद्ध घोटाला कॉमनवेल्थ घोटाला माना जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया। लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये 2500 करोड़ का घोटाला कांग्रेस के कॉमनवेल्थ घोटाले से भी ज़्यादा बड़ा घोटाला है। ये तो भला हो दिल्ली के लोगों का कि इन्होंने दिल्ली सरकार इनको नहीं दी, नहीं तो पता नहीं दिल्ली सरकार के अंदर ये क्या हाल करते। और 2500 करोड़ रुपए का ये घोटाला तो इस साल का है, एक नगर निगम का है। अगर 15 साल का हिसाब किताब लिया जाए और तीनों नगर निगमों का हिसाब किताब लिया जाए तो पता नहीं कितने करोड़ कितने हजार करोड़ का घोटाला अभी तक इन्होंने 15 साल में किया होगा। जैसे अभी मंत्री जी बता रहे थे, ये कोई हम नहीं कह रहे, आम आदमी पार्टी वाले कहें कि नगर निगम में घोटाला है तो कहा जाएगा वही राजनीति कर रहे हैं। अभी अगर बाहर चल के सड़क में जो पहले 10 आदमी मिले उनसे पूछ लो जी नगर निगम में भ्रष्टाचार है कि नहीं है, 10 के 10 आदमी कहेंगे हाँ जी नगर निगम में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। और उन्हीं से पूछ लो जी दिल्ली सरकार के अंदर भ्रष्टाचार है, कहेंगे नहीं जी बड़ी ईमानदार सरकार है। तो दिल्ली के अंदर हर आदमी मानता है कि अगर आपने कोई मकान बनाना है, लेंटर डालना है, तो लेंटर डालने के कोई भी, जैसे अभी मंत्री जी ने बताया कि आरएसएस के 10% डिस्काउंट है, बाकी कोई डिस्काउंट नहीं है। हर आदमी को पैसे देने पड़ते हैं, हर आदमी को। और बताते हैं 5000 से 10000 करोड़ रुपए सालाना का ये लेंटर का ही घोटाले का अमाउंट है। केवल लेंटर का घोटाला अगर ये बंद कर दें नगर निगम वाले तो 5 से 10 हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू इनका इससे आ सकता है। और ये बीजेपी खुद भी मानती है, पिछली बार एमसीडी के चुनाव के पहले इन्होंने खुद कहा कि भाई हमारे सारे के सारे नगर निगम के काउंसलर अभी तक जो है वो भ्रष्ट थे, हम मानते हैं और अब हम सबकी टिकट बदलते हैं। तो अगर तुमने टिकट बदली सबकी और तुमने खुद जनता के सामने माना कि सारे के सारे भ्रष्ट थे तो 2-4 लोगों को जेल में तो भेजना चाहिए था, 2-4 लोगों को सजा तो देनी चाहिए थी ताकि जो नए आए उनके ऊपर एक ये रहे कि भाई जैसे पुराने वाले जेल गए वैसे तुम भी जेल जाओगे। अगर अब ये नए वालों को लग रहा है यार होता तो कुछ है नहीं, टिकट कटनी है। अब ये पद्धति बन रही है बीजेपी के अंदर कि भाई 5 साल का मौका मिलेगा, 5 साल में जो लूटना है लूट लोगे। जो नए वाले आए हैं 1 साल बच गया। लोग बताते हैं, मेरे पास आते हैं जी, जम के लगे हुए हैं, मतलब कोई सीमा ही नहीं है कि भाई 1 साल है, इस बार इनकी भी टिकट कटनी है, सबको नई टिकट मिलनी है। सारे ये नए वाले भी लगे हुए हैं तो ये खुद ही मानते हैं कि बहुत ज़्यादा घोटाला इनके काउंसलर कर रहे हैं। ये तो एक एक काउंसलर जब काउंसलर बनता है तो साइकिल पे चलता है और 1 साल के अंदर उसकी बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं, वो कहाँ से आता है, बड़े बड़े बंगले बन जाते हैं, जमीनें आ जाती हैं, कहाँ से आता है ये सारा पैसा? ये 2500 करोड़ किसका पैसा था? ये सफाई कर्मचारियों का पैसा था। इससे सफाई कर्मचारियों के सारे एरियर, बेचारे सफाई कर्मचारी कब से अपने एरियर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ये 2500 करोड़ का घोटाला नहीं होता तो सफाई कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह मिल सकते थे, उनको उनके सारे एरियर मिल सकते थे। अगर ये 2500 करोड़ का घोटाला नहीं होता तो जो डॉक्टर, जिनको डॉक्टरों को 3-3, 4-4, 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, जिन्होंने बेचारों ने कोविड के टाइम पर अपनी जान दांव पे लगा के लड़ाई लड़ी, जनता की सेवा की, उन सबको उनकी तनख्वाहें टाइम पर मिल सकती थी। दिल्ली सरकार एक एक पैसा बचा रही है, एक एक पैसा, हम हर चीज में एक एक पैसा बचाते हैं। सारी जनता जानती है हमारा एक फ्लाईओवर बनता है, अब तो कितने बन लिए, एक ही का उदाहरण होगा, 325 करोड़ का फ्लाईओवर बनना था, हमने 200 करोड़ में पूरा कर दिया।
एक एक पैसा बचा बचा के, और इसी वजह से हम जनता को इतनी सहूलियतें दे पा रहे हैं कि बिजली भी मुफ्त कर दी, पानी भी मुफ्त कर दिया, दवाई भी मुफ्त कर दी, स्कूल भी मुफ्त कर दिए, महिलाओं का सफर भी मुफ्त कर दिया, कितनी वो इसीलिए क्योंकि हम एक एक पैसा बचा रहे हैं। और इन्होंने एक पुल बनाया वो राजी झांसी फ्लाईओवर, कितने का बनना था? नहीं 180 करोड़ का बनना था, 187 का, और शायद 730 करोड़ का बना पूरा हुआ। बनते 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 187 करोड़ का फ्लाईओवर जो बनना था वो बनके 730 करोड़ का पूरा हुआ। हमारा 325 करोड़ का फ्लाईओवर 200 करोड़ का पूरा हुआ। फिर कहते भ्रष्टाचार नहीं है एमसीडी के अंदर, बताओ ये भ्रष्टाचार में तो और क्या चीज है? इतना भ्रष्टाचार कर रखा है, अगर यहाँ पे गिनाने लग जाए तो पूरी रात बीत जाएगी यहाँ पे। ये सारा पैसा जनता का पैसा है, जनता टैक्स देती है, दिल्ली की जनता कड़ी मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके अपने बच्चों का पेट काट के नगर निगम को टैक्स देती है, उस जनता के पैसे की चोरी हुई है। अगर ये 2500 करोड़ में कैलकुलेट कर रहा था, अगर ये 2500 करोड़ का घोटाला नहीं होता, इसमें भाई साहब 7,500 बेड के नए अस्पताल बन सकते थे, इसमें 12,500 मोहल्ला क्लिनिक बन सकते थे, 12,500 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बन सकते थे अगर ये 2500 करोड़ का घोटाला नहीं होता। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि जब सीबीआई की मांग की, सीबीआई की मांग करने के लिए जब राघव चड्ढा, उन्होंने कहा मैं अमित शाह जी से मिलने के लिए जा रहा हूं, तो उनके घर पहुंच गई सारी दिल्ली पुलिस। बलात्कारियों को पकड़ने के लिए पुलिस नहीं जाती, राघव चड्ढा को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने इनको इनके घर से गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ऋतुराज को भी किया था, 6 लोगों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। बताओ क्या अमित शाह जी से देश की जनता नहीं मिल सकती, चुने हुए प्रतिनिधि नहीं मिल सकते? अगर अमित शाह जी भी इनके साथ बैठ के एक कप चाय पी लेते तो इनका बड़ा अच्छा इनका मन होता। अब देखो बेचारा शक्ल से गुंडा लगता है, शरीफ आदमी भोला सा लड़का लगता है। अमित शाह जी का क्या बिगाड़ लेता है, बैठ के चाय पी लेते बच्चे के साथ, बच्चे के साथ बैठ के चाय पी लेते खुश हो जाता। हद तो तब हो गई अतिशी मार लेना। पूरी दुनिया इनके काम की चर्चा करती है कि इस महिला ने गजब का काम किया है, शिक्षा के ऊपर देश के लिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। वो एक चुनी हुई विधायक है, विधायक का एक प्रोटोकॉल होता है। वो एलजी साहब से मिलने के लिए गई और उनको अपराधियों की तरह घसीट के, अपराधियों की तरह, मैंने देखा वो वीडियो, मैं मतलब रोना आ गया, अपराधियों की तरह घसीट के उसको बस में डाल के और उनको उठा के ले गए। एक कप चाय एलजी साहब इनके साथ। तो ये तो सही नहीं है। आप कह रहे हो कि अगर ये घोटाला साबित हो गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, सीबीआई की जांच करा दो। सीबीआई तो आप ही के पास है, सीबीआई की जांच क्यों नहीं कराते? हम छाती ठोक के कह रहे हैं हमारी सारी फाइलों की सीबीआई ने जांच कर ली। सीबीआई ने मेरे दफ्तर पे रेड मारी, सीबीआई ने मेरे घर पे रेड मारी, इनकम टैक्स वाले ने 2 बार इसकी रेड मार ली। सतेंद्र जैन की रेड करी, 2 बार आ चुके इसके यहां, सतेंद्र जैन के यहां 2 बार रेड मार चुके। हमने तो हमेशा उनको चाय पिलाई, जब सीबीआई वाले उनको भी चाय पिलाई और जब इनकम टैक्स वाले आए उनको भी चाय पिलाई। हमने कभी मना नहीं किया क्योंकि दाल में कुछ काला है ही, दाल पूरी साफ है, दिल में कुछ काला नहीं है। यहां तो जैसे ही हमने कहा हमारे सीबीआई की जांच कराओ, तो जिन्होंने चोरी की उनको तो नहीं पकड़ा, जिन्होंने मांग की उनको उनके घर से उठवा लिया। तो दाल ही काली है पूरी की पूरी इसमें। तो सीबीआई की जांच करा लो, सीबीआई में साफ हो जाएगा। अगर जांच हुई सीबीआई में पता चल जाएगा भाई 2500 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो ये 15 साल का काला युग था भारतीय जनता पार्टी का, नगर निगम का।
और इस काले युग का अब अंत होना है। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो एक साल और बचा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके इस काले युग का अंत करेंगे। दिल्ली के सामने 2 मॉडल हैं, एक बीजेपी का मॉडल है जो एमसीडी में है, और एक आम आदमी का मॉडल है जो दिल्ली सरकार में है। इस बार फरवरी में दिल्ली में चुनाव हुए थे, दिल्ली के लोगों ने दोनों मॉडल में से एक मॉडल चुनना था, तो दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी का मॉडल चुन के 62 सीट दी, और दिल्ली के लोगों ने भाजपा का मॉडल चुन के 8 सीट दी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में इस मॉडल को पूरी तरह से दिल्ली के लोग नकारेंगे। मुझे बेहद दुख है जो ये कह रहे हैं 13,000 करोड़ देने हैं, 13,000 करोड़ देने हैं, 13,000 करोड़ देने हैं। नगर निगम के लोग कोर्ट में भी हुआ है, कोर्ट में 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार नहीं पता नहीं कितनी बार ऑर्डर हो चुके कि भाई जितना पैसा दिल्ली सरकार ने देना था सारा दे दिया। तो जब कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया भाई जितना पैसा बनता था सारा दे दिया, तो अब ये जब आ रहे हैं तो कह रहे जी 2,500 करोड़ तो खा लिया, और दे दो और दे दो, 13,000 करोड़ और दे दो, एक ही साल बचा है जी, जल्दी दो 13,000 करोड़ बचा है और दे दो। हाय हाय लगी पड़ी है और अब उनको भी नजर आ रहा अगली बार टिकट तो मिलनी नहीं है, तो सारे बेतहाशा 13,000 करोड़ दो जी 13,000। मेरे पास इतने फोन आ रही है लोगों के, बोले जी हमें नहीं पता बनता है कि नहीं बनता है इनका, लेकिन अगर बनता भी हो ना तो भी मत देना आप। ये सारा पैसा खा जाएंगे। बहुत दुख होता है कि अभी एमसीडी पे तीनों एमसीडी पे ताला लगा है, ना तो वहाँ कमिश्नर है और ना वहाँ मेयर है, मेयर यहाँ धरने पे बैठे हैं और कमिश्नरों को तो इन्होंने नियुक्ति नहीं कर रखी, तो तीनों एमसीडी के ऊपर ताला लगा पड़ा है। दिल्ली की जनता का क्या होगा, हमें बहुत दुख होता है। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि 1 साल के बाद चुनाव है, अब बस बहुत हो गया। इन लोगों का ड्रामा, इन लोगों की नौटंकी, इन लोगों की राजनीति, गंदी राजनीति, अब इससे दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है, इसको खत्म करना चाहती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल जब भी चुनाव होंगे इससे दिल्ली की जनता को मुक्ति मिलेगी। जो सौरभ भारद्वाज ने प्रस्ताव रखा है उसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ।